आदाब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आप सभी का हमारे चैनल में मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। एक बेहद ही दर्दनाक और अफसोसनाक घटना केरल से आ रही है, जहाँ पर एयर इंडिया का विमान क्रैश होने से 16 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कई घायल बताए जा रहे हैं। कैसे ये घटना घटी और कहाँ पर घटी है जानने के लिए आप आगे तक पूरी वीडियो को हमारे साथ जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर शुक्रवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल दुबई से आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान यहां लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलकर खाई में जा गिरा, जिससे विमान के दो टुकड़े हो गए। इस हादसे में पायलट समेत 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने बताया है कि विमान में 174 वयस्क यात्री, 17 बच्चे, 5 केबिन क्रू और 2 पायलट सवार थे। रनवे पर फिसलने के बाद यह विमान खाई में जा गिरा और उसके 2 टुकड़े हो गए। दुर्घटना में विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कोझिकोड के जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है। एयर इंडिया ने कहा है कि लैंडिंग के वक्त विमान में आग नहीं लगी, नहीं तो ये और भयानक हो सकता था। हालांकि रनवे के आसपास कई घरों को नुकसान भी हुआ है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने बताया है कि विमान में 174 वयस्क यात्री, 10 बच्चे, 5 केबिन क्रू और 2 पायलट सवार थे। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। विमान शाम करीब 7:40 पर हवाई अड्डे पर उतरा। विमानन कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि विमान संभवतः रनवे से आगे निकल गया। विदेश राज्य मंत्री जी मुरलीधरन ने कहा है कि शायद कालीकट में बहुत भारी बारिश होने की वजह से पायलट पहले लैंडिंग नहीं कर पाए, दूसरे प्रयास में हार्ड लैंडिंग हुई, इसके बाद फ्लाइट रनवे से बाहर स्किड कर गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे से आहत हों मेरे संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ये मेरी प्रार्थना है। केरल के सीएम पिनरई विजयन जी से बात की। अधिकारी घटनास्थल पर हैं, प्रभावितों को सभी सहायता मिल रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की दुखद दुर्घटना के बारे में पता चला। एनडीआरएफ को निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद करे। तो दोस्तों ये थी दर्दनाक खबर। आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो को शेयर करें। साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी को बजा दें। शुक्रिया।